नमस्कार, मैं हूं पिन कुमार। आप देख रहे हैं नेशन भारत। होली के पर्व है। होली पर्व को लेकर खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली सॉस बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। यह मामला है पटना सिटी स्थित आलमगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज स्थित विजया फूड प्रोडक्ट की कंपनी है और यह चिल्ली और सॉस और टोमेटो नकली सामान बनाती है, जिस पर खाद्य विभाग के अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस कंपनी पर छापेमारी की है और लाखों रुपए के सामान जब्त की है। तो खाद्य विभाग के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। ये डीएम साहब के निर्देशानुसार हम लोग होली के पहले जो मिलावट की हुई सामग्रियाँ, खाद्य पदार्थ की सामग्रियाँ जो बाजार में उतारे जाते हैं, उसका हम लोग औचक निरीक्षण और औचक छापामारी कर रहे हैं। इधर से हम लोग गुजर रहे तो अचानक यहाँ पर सूचना मिली कि यहाँ पर सॉस का फैक्ट्री है और उसी के अनुसार हम लोग इस फैक्ट्री में घुसे हैं और देखा जा रहा है यहाँ पे कि बहुत बड़ी मात्रा में सॉस बनाया जा रहा है। चिली सॉस है, टोमेटो सॉस है, सोया सॉस है और बनाने की जो यहाँ पर जो स्थिति है बिल्कुल गंदी अवस्था में बनाई जा रही है और जो जो इंग्रेडिएंट स्टैंडर्ड रूप में ये दिया जा रहा है रैपर पे, ये बहुत मेल नहीं खा रहा है। यहाँ पर बहुत अलग चीज़ से मिलाया जा रहा है, जैसे अब यहाँ पे वेजिटेबल पल्प कहा जा रहा है उसके जगह कुछ और पल्प मिलाया जा रहा है। जैसे चिली सॉस है तो यहाँ पर चिली का कोई नामो निशान नहीं है और हाइजीन तो कंडीशन यहाँ बिल्कुल सही नहीं है और इस आधार पर हम इसको बंद करने जा रहे हैं। जब तक यहाँ का हाइजीन कंडीशन दुरुस्त नहीं हो जाता है तब तक ये फैक्ट्री बंद रहेगी। किस कंपनी के नाम से सर? ये अपना ये कोई अनरजिस्टर्ड कंपनी है, टिप टॉप है, अनरजिस्टर्ड है, कोई इसका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ नहीं है, बट ये FSSAI से लाइसेंस लिया हुआ है। ये पोस्ट इंस्पेक्शन में ये गलत पकड़े गए हैं इसलिए इनका लाइसेंस सस्पेंड भी किया जाएगा और बंद भी किया जाएगा। सर, जाँच के क्रम में क्या पाया गया, सब नकली है? नहीं, इनका निर्माण का जो ढंग है वो गलत है और सामग्री जो इसमें प्रयुक्त किया जा रहा है वो सही नहीं है, इस आधार पर हम लोग नकली कह सकते हैं। कितना बरामद हुआ सर? इसकी गिनती चल रही है, हम समझते हैं कि 1 टन से ऊपर माल होगा। क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितनी लागत होगी? कितना लागत का है आप उससे ज़्यादा ही समझिए, ये कम करके ही बोल रहा है, लगभग 1 लाख रुपया से ऊपर का ही होगा। नहीं सर, 1 लाख रुपये। किस तरह की कार्रवाई होगी सर? कि पहले तो यहाँ पे इसको बंद कर दिया जाएगा और जितने भी तरह के सामग्रियाँ बनाया जा रहा है उसका नमूना लिया जा रहा है और नमूने में अगर ये गलत पाए जाएंगे तो इस पर AO कोर्ट में या फिर LDJ2 के कोर्ट में केस किया जाएगा। सर, इस तरह की छोटी छोटी कंपनियाँ यहाँ काफ़ी फल फूल रही है और सेहत के लिए काफ़ी नुकसान। जहाँ भी हमको सूचना मिल रही है वहाँ पर तुरंत रेड करने के लिए हम तत्पर रहते हैं और कर भी रहे हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।